पढ़ रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं एक बात आपके बीच में रखूंगी। मैं जो यह बात रखूं हूं, इसका एक संयुक्त किसान मोर्चा को एक छोटी सी सलाह है। मैं उनका ये नहीं है कि मैं उनका आदर नहीं करती, लेकिन जब तक अपने 48,000 केस हो रहे हैं, जब तक एक एक केस की पुलिस वापसी का खत उनके घर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अपन नहीं उठना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक MSP का लिखित में कानून नहीं मिलता, तब तक अपन ओढ़े बैठा रहना चाहिए। अपन जब बेशक थोड़ा और टाइम लग जो, लेकिन आप इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े चालू राक्षस हैं। ये कुछ भी खेल खेल सका है। जो ये 48,000 केस हो रहे हैं, ये तड़कन है। ये आपने देखा होगा, फरवरी जो 2016 में आपने तो ये ऑफिशियल लेटर दिया था, लेकिन क्या होया उसका अनुभव अपने पर है। तो आज जोड़ का यही गुजारिश है, जब तक एक एक केस की लिखित में पुलिस केस का उनका खत घर तक नहीं पहुंच जाता और MSP पर लिखित गारंटेड कानून नहीं मिलता, तब तक आप और बैठा रहना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, अपनी लड़ाई की शुरुआत अपन ने जीत तक करी है। अपनी लड़ाई किसान मजदूर और पूंजीपति के बीच की है, कमेरा और लुटेरा के बीच की है। आज जो सत्ता में बैठे हैं या बैठना चाह रहे हैं, उनमें कोई घना बड़ा फर्क नहीं है। तो मेरी सत्ता आज जोड़ कर यह गुजारिश है कि अपने बच्चों ने इन धर्म और अंधविश्वास से तो ऊपर ठहकर बढ़िया एजुकेशन दो और व्यापार में अपने बच्चों ने आगे बढ़ाओ और गांव ने मजबूत करो। जो ये संगठन बन रहे हैं, जो अपना UEKA है, यो जज्बा अपने भविष्य में भी बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत चालू लोग हैं। तो आगे ईसा अपने कोई आंदोलन ना लड़ना पड़े, लड़ाई ना लड़ना पड़े, उससे पहले अपने सतर्क रहने खातर जो अपने संगठन बन रहे हैं, तो यो जज्बा अपने लास्ट तक न्यूए बनाकर रखना है कि एक कॉल पर अपन न्यूए तैयार रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।